हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज है अक्टूबर की 18 तारीख और आज दत्त जयंती भी है, तो आज मैं कोशिश करूंगी किसी स्पिरिचुअल जगह में, मंदिर में जाने की। तो देखते हैं कि आज क्या कर सकते हैं। एक्चुअली कुछ प्लान नहीं किया है, अभी भी घर में काफ़ी सारे मेहमान हैं तो नहीं मतलब उस बारे में कुछ सोचा नहीं। और रात में भी आपने देखा होगा मेरे कल के ब्लॉग में कि हम 2:30 बज गए फिर भी जोर जोर से हंस के गप्पे लड़ा रहे थे। तो देखते हैं कि आज क्या होता है। काफ़ी सारे बच्चे होने की वजह से बहुत ज़्यादा जमलिंग हो रहा है, मेरा घर भी बहुत छोटा है। मेरा बेटा गुड मॉर्निंग बोलो बेटा, हाय 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 बोलो बेटा, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। काफी दिनों तक अगर उसे स्टार्ट नहीं करते तो उसकी बैटरी डाउन हो जाती है और वो बहुत प्रॉब्लम करती है स्टार्ट होने में। अभी किचन में कुकिंग चल रही है तो इस वजह से सुबह से एक भी शॉट नहीं ले पाई मैं, ब्रेकफास्ट के वक्त लिया था। अभी क्या हो गया कि ये जो मेरे घर के सामने बरामदा है बड़ा सा, उसमें मैंने कुछ वाइंस लगा के रखी है जैसे कि ये आप देख सकते हैं। तो ये है स्वीट गोकर्णी, जैसे अपराजिता भी कहते हैं, उसकी वाइंस है। तो शुरू शुरू में जब ये बढ़ती है, मतलब इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है, तो काफ़ी स्लो होती है। और जैसे ही फुल ब्लूमिंग पे आती है तो फ्लावर्स इतने ज़्यादा होते हैं, मतलब फुल ब्लूमिंग पे होता है ये प्लांट, तो क्या होता है कि फूल ज़्यादा खिलते हैं। और जैसे ही फूल झड़ने लगते हैं तो उसके साथ ही फलियां आने शुरू हो जाती हैं, तो काफ़ी सारी फलियां आती है। तो क्या होता है, जब फलियां आती है तो फूल बिल्कुल भी नहीं आते, मतलब आते हैं लेकिन कम आते हैं। तो अगर हम फलियां काट देते हैं, प्लकिंग करते हैं उसकी, तो क्या होता है कि प्लांट को एनर्जी मिलती है और उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी चलती है और फ्लावर भी आते रहते हैं। अगर फलियाँ नहीं काटेंगे तो फ्लावर बहुत कम आते हैं। तो फ्लावर जब ज़्यादा होते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे बटरफ्लाइज और हमिंग बर्ड्स भी आती हैं और भौरे भी आते हैं, तो काफ़ी अच्छा रहता है व्यू। तो आज उसी का जो प्लकिंग का था मेरा काम आज में, तो हो गया लगभग एक घंटा हो गया। मेरे जो बड़े भाई आए हुए हैं उन्होंने मेरी हेल्प कर दी और पूरा पूरा जो है, पूरी की पूरी वाइन जो लगी हुई है, काफ़ी बड़ा एरिया है उसमें, वो सारी प्लग कर दी। लगभग थैली भर के फलियाँ निकली हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी है। ये इतनी सारी फलियाँ जो है वो अपराजिता की हैं, ये उन्होंने काटी है पूरी वाइन से। आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी और कितनी ज़्यादा तादाद में वाइन्स है मेरे पास, इसकी फलियाँ काट इतनी फलियाँ काटनी पड़ती है, मतलब अगर काटेंगे तो इतनी निकलती है और नहीं काटेंगे तो सारी एनर्जी ले लेती है प्लांट की। ये
मेरी वायर फंसती थी उसमें, और ये मेरा प्लांट है, ये वाइंस है अपराजिता की। सीढ़ी लगा के ऊपर तक प्लगिंग करना पड़ता है, मतलब इजीली नहीं है, रीचेबल नहीं है डिस्टेंस। तो फाइनली मेहमान चले गए हैं और वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, बहुत सारे बच्चे थे तो घर काफ़ी खाली खाली लग रहे हैं। बहुत दिनों के बाद जब हम अपनों से मिलते हैं, हमारे अपनों से, तो पता ही नहीं चलता कि वक्त कैसे बीत गया। और इस वजह से मेरा जो कल का ब्लॉग है उसमें काफ़ी सारी बातें जो बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, मज़ेदार थी, जो हमने एंजॉय किया हम लोगों ने, वो सारे काफ़ी पल जो थे वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई कैमरे में, क्योंकि उस माहौल में इतनी घुल मिल गई कि दिमाग से निकल गया कि ये लेना है, वो लेना है, ये शूट था, ये अच्छा था, वो अच्छा था। फिर रात के गप्पे लड़ाते लड़ाते 3 बज गए और फिर रह ही गया मतलब। तो आज का दिन भी काफ़ी बिजी था, आज वो लोग जाने वाले थे तो बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें करनी थी। तो दत्त जयंती की वजह से हम लोग मंदिर जाने वाले थे तो वो भी नहीं हो पाए, और घर भी बहुत सारा, मतलब घर में अभी मुझे काम है साफ़ सफाई का, तो डिनर भी पकाना है, तो उस वजह से अभी और कुछ नहीं हो पाएगा। मतलब अभी भी टाइम था जाने के लिए लेकिन हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि घर में और भी काम है मुझे। तो जब मेहमान आते हैं घर में तो एक हाउसवाइफ के लिए सारा जो टाइम टेबल है, उसका जो स्केड्यूल है, वो सारा कुछ ही चेंज हो जाता है, और चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि टाइम जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग होती नहीं है, चीज़ें आगे पीछे हो जाता है थोड़ा। तो इस वजह से जो भी मैंने तय किया था वो हो नहीं पाया इन 2-3 दिनों में। व्लॉग स्टार्ट करते ही, मतलब जब मैंने चैलेंज लिया था फर्स्ट डे का, तो उसके उसी दिन, शायद उसके दूसरे ही दिन ये लोग आए। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये लोग आएंगे, और मैंने जो प्लानिंग की है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होगी, तो उस वजह से कल का जो व्लॉग है वो भी काफ़ी छोटा हो गया, और परसों का भी जो हम डिनर के लिए गए थे उसमें भी कुछ बातें हो नहीं पाई, मतलब कुछ ले नहीं पाए मैं, काफ़ी अच्छे अच्छे सीन थे जो मुझसे मिस हो गए, अच्छे अच्छे हमारे पल थे जो कैप्चर होने चाहिए थे कैमरे में लेकिन नहीं हो पाए। तो आज का भी दिन बहुत बिजी गया, अच्छा गया, बहुत मज़ा आया, हमने काफ़ी सारा एंजॉय किया, बच्चों ने, मेरे बच्चों ने भी, उनके बच्चों ने भी और बड़ों ने भी। तो फाइनली गाइज अभी डिनर करना है, अभी रात के बज चुके हैं लगभग 8 बज चुके हैं, तो अभी मुझे डिनर बनाना है, प्रिपरेशन करना है, घर साफ करना है। तो आज का व्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ, तो कल फिर मिलेंगे मेरे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।